हमारे डिप्टी कमिश्नर से हम सभी लोग मिले यहाँ आके, डिप्टी कमिश्नर को भी हम दबाव डाले, प्रेशर करें कि ऐसे लोग गलत स्टेटमेंट बोलने की वजह से पूरे देश के हालात, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हालात, हमारे शहर के हालात ख़राब होते हैं। इस वीडियो स्पॉन्सर बाई हेरिटेज सेरेमिक एंड सैनिटेशन, टिंस लेडीज फैशन, मदर चॉइस, सपना कन्वेंशन बिलो HDFC बैंक, उदगीर रोड, बीदर, NPS डिग्री कॉलेज अपोजिट व्हाइट हॉर्स मिर्जा कॉम्प्लेक्स एंड होप चेस्ट हॉस्पिटल बिहाइंड नंदी पेट्रोल पंप। Within our district, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ದ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Whatever has to be told to the state level, I will communicate. Yeah. Because in the Tripura, what has happened, you know, the incident which had happened in the other country, Bangladesh, that reaction they did here. Yes. It is a chain effect, sir. रहीम, आज यहाँ मुसलमानों ने बीदर का एक कुल जमाती वफद तकरीबन तमाम अहम तंजीमों के ज़िम्मेदारान पर मुश्तमिल यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जनाब रहीम खान साहब MLA के साथ यहाँ पर मुलाकात किया और मुलाकात करके उनको एक मेमोरेंडम पेश किया गया। ये मेमोरेंडम इस बात के लिए दिया गया कि उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ के फार्मर चेयरमैन वसीम रजवी, जो इंतहाई मलून और वाहियात किस्म के हरकत करते रहता है, गुज़िश्ता 6 माह कबल उसने कुरान पर एक तनखीद करते हुए ये कहा था कि 26 आयतों को कुरान से निकाल देनी चाहिए, इसके लिए उसने एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके नोटिस को देखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। इतने पर वो खामोश नहीं रहा, बल्कि अब उसने एक किताब मोहम्मद नाम की, उसने जो है ना एक किताब शाये की है और उस किताब में उसने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और मज़हब इस्लाम के बारे में और कुरान शरीफ के बारे में उसने बहुत ही बेहुदा और बदतमीज़ अहानत आमेज़ अल्फाज का उसने इस्तेमाल किया है और फिर इसके बारे में तबसरा करते हुए भी उसने बहुत कुछ जो है ना तजीक आमेज़ बातें कही हैं। इन सारी बातों को सुनते हुए और देखते हुए सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है ना जज्बाती हो गए हैं और उनके दिलों को बहुत ठेस पहुँची है। इसको देखते हुए यहाँ बीदर में भी एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, चूँकि यहाँ पर MLC इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए रैली मुनज़्ज़म करने के बजाय सिर्फ लोगों ने पुलिस स्टेशन तक पहुँचकर उसके ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की और पुलिस ने वादा किया है कि वो आज शाम तक उसके बारे में एक FIR या फिर जो है ना क़ानूनी तौर पर जो मुमकिन है वो करेंगे। और फिर इसी शिकायत को लेकर हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी आए और यहाँ पर ये सारी शिकायतें दर्ज की। साथ ही साथ आज के मेमोरेंडम में हमने सदर जमहूरिया से इस बात का मतालबा किया कि हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अगर कोई वाकया होता है तो उसके रिएक्शन के तौर पर यहाँ के हमारे मुल्क की एक रियासत त्रिपुरा में वहाँ पर जो मस्जिद को मस्मार किया गया और मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया गया, इसके ख़िलाफ़ भी हम सदर जमहूरिया को ये मेमोरेंडम दिए हैं कि इस किस्म की अगर हरकतें यहाँ हमारे देश भारत में अगर होती हैं तो ये जो है ना काबिल बर्दाश्त नहीं होंगी, इसको नोट लेना चाहिए। और फिर त्रिपुरा में जो वाक़ियात हुए उसका प्रोटेस्ट जब अमरावती में किया गया तो उस प्रोटेस्ट के अपोजिट में फिर एक फ़िरका परस्तों ने दूसरे दिन एक रैली निकाल कर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो है ना फिर उन्होंने एक प्रोटेस्ट करते हुए मुसलमानों की इमलाक को तबाह किया और उन लोगों को जो है ना जख्म पहुँचाई। तो इन तमाम वाक़ियात के ख़िलाफ़ भी हमने सदर जमहूरिया से इस बात का मतालबा किया है कि जब तक के कोई क़ानून इन फसादात के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में जो इस किस्म की किसी भी मज़हब के बड़े आदमी के बारे में कोई बात कहते हैं तो उनके ख़िलाफ़ सज़ाए मौत का या कोई ऐसा सख्त क़ानून जब तक नहीं बनाया जाता तब तक कि ये वाक़ियात रुकने वाले नहीं हैं। एक आदमी बैठी जगह अगर कुछ कह देता है तो उसका असर सारे मुल्क पर, बल्कि सारी दुनिया पर होता है। ये गुस्ताख़ रसूल जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, इसको तो हम सज़ाए मौत से कम सज़ा पर
इसको हम कबूल ही नहीं कर सकते। हम सदर जमहूरिया से, वज़ीर आज़म हिंद से इस बात की मुतालबा करते हैं कि इस मलऊन रजवी को बजाय शेल्टर देने के, बजाय उसकी हिफाजत करने के, फौरी से फौरी उसको गिरफ़्तार करें और सख्त से सख्त सज़ा दें। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह हम सभी लोग, हमारे मंसूर खादरी साहब, सरफराज हाशमी एडवोकेट, नवाज़ खान, सभी काउंसलर, सभी जमात के लोग और ख़ासकर बिदर के ज़िम्मेदार लोग और पूरे मेरे भाई उल्मा, पूरे उल्मा साहब भी थे और कई लोग इसमें आज जामे मस्जिद में जमा हुए थे और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाके सभी लोग मिलके एक मेमोरेंडम दिए, इमीडिएट उसको एफआईआर करना चाहिए और उसको अरेस्ट करके बिदर तक लाने की कोशिश करें, बल्कि हमारा पूरा दबाव था पुलिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पे डीएसपी सर्कल पीएसआई सभी लोग थे और उसी तरह आज हमारे डिप्टी कमिश्नर से हम सभी लोग मिले यहाँ आके। डिप्टी कमिश्नर को भी हम दबाव डाले, प्रेशर करें कि ऐसे लोग गलत स्टेटमेंट बोलने की वजह से पूरे देश के हालात, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हालात, हमारे शहर के हालात ख़राब होते हैं। ये किसी समाज को भी इस तरीके से बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। वो दरिंदा ने यूपी में बोला है और उसको, उन्हें यूपी में बोल के बहुत यूपी में आराम से उसको, जो वहाँ की सरकार उसको प्रोटेक्ट दे रही है, वो बहुत बड़ी गलती है और इससे पूरे देश में एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। इमीडिएट उसको अरेस्ट करके यहाँ पे लाना चाहिए और मैं सभी बिदर के नौजवानों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और क्योंकि ऐसी हरकत फिर आइंदा हम बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि ये मूवमेंट, ये सभी एक ऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट है, इसमें मुझे भी बुलाए थे, मैं भी साथ था इनके, इतना बोलते हुए आगे भी इसको हमारे सरफराज हाशमी साहब और उनका ग्रुप, हमारे मंसूर भाई आगे भी बोले, क्योंकि असेंबली आगे बेलगाम में होने वाली है, वहाँ पे भी असेंबली में भी इसका क्वेश्चन उठाओ बोल के प्रेशर वहाँ पे भी बढ़ाइए बोल के बोले हैं। तो मैं हमारे मुस्लिम्स जितने कर्नाटक में MLA है उन सभी का एक फॉर्म है, एक यूनिटी हर 4 दिन 8 दिन महीने में एक बार मिलते हैं, तो मैं सभी MLAओं को लेके इस बारे में बात करके आने वाले असेंबली में भी इसको दबाव बनाने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सर, आज हम शहर के MLA, बीदर MLA रहीम खान साहब की और मंसूर खादरी साहब, शाह मूसा मुहिद्दीन खादरी साहब और तमाम उलमा इकराम और मौजूदीन की सदारत में हम लोग अमन के साथ हम लोग जब जामे मस्जिद में जमा हुए थे और जामे मस्जिद से कंप्लेंट कराने के लिए चौहारा पुलिस स्टेशन गए, तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने हमारी शिकायत सुनी और नौजवानों का जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ जाकर वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, और MLA साहब जो अपना वक्त निकाले, हम सदारत उनकी सदारत तक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आ गए, और तमाम हमारे उलमा इकराम जिन्होंने हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह ताला हमारी गुजारिश है MLA साहब से कि और हम लोग इंशाल्लाह ताला MLA साहब के साथ एक डेलीगेट्स बना के बेलगाम जाने का इरादा रखें, ताकि जो सेशन शुरू हो रहा है वहाँ पर गुजारिश करने के लिए कि इसके ख़िलाफ़ एक बिल बनाएं जो सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, चाहे किसी भी मज़हब के, अगर उनके इमोशंस और उनके फीलिंग्स के साथ, अगर सेंटीमेंट्स के साथ हट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सज़ा हो, वैसी कोई बिल बनाएं उसकी गुजारिश करने के लिए इंशाल्लाह बेलगाम सेशन में जाने का इरादा है। तो आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए।